हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष अरोड़ा। चाहे आपने बनानी हो मीठी खीर, या बनानी हो चटपटी चाट, या बनाए आप कोई भी सब्जी या सादी दाल, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। चलिए हमारी किचन में कुछ बनाते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन में आप सिंपल खाना खा के हो गए हैं बोर। आज हमने आपके लिए बनाया है रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर। ये आपकी बोरियत को दूर करेगा। चलिए हम आपको बताते हैं ये हमने आपके लिए कैसे बनाया है। सबसे पहले आप देखिए हमें क्या क्या मसाले चाहिए। यहाँ पे हमने काली मिर्च ली है 1/2 टीस्पून, 2 हमने छोटे दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 1 स्टार नीज ली है और 1 हमने जावित्री का फूल लिया है, इसको हमने हाफ कर लिया था। और यहाँ पे हमने 1 साबुत लाल मिर्च ली है, 2 हमने तेज पत्ता लिए हैं और 3 हमने लौंग लिए हैं। ये हमें खड़े मसाले चाहिए। चलिए आगे हम शाही पनीर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए हमने क्या करना है। हमने 1/4 कप पानी लेना है, वो हम डालेंगे। फ्लेम हमने पहले से ही ऑन करी हुई है। अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे जो हमने आपको दिखाए थे, ये डाल देते हैं। और साथ ही इसमें टमाटर डालेंगे, इनको हमने पहले से ही कट किया हुआ है। 1/2 किलो के करीब हमने टमाटर लिए हैं। जो लाल वाले टमाटर आते हैं वो आपने लेने हैं, देसी वाले आपने टमाटर नहीं यूज़ करने। हाइब्रिड ये टमाटर होते हैं, इनको बॉम्बे वाले टमाटर भी बोलते हैं। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है शाही पनीर बनाने का। जो ये हम आपको रेसिपी दे रहे हैं एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है, रेस्टोरेंट वाली। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। और साथ ही इसमें गार्लिक के क्लोव डालेंगे, 8 क्लोव हमने लिए हैं। और 1 टीस्पून इसमें देगी मिर्च डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, मिक्स कर देते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको कवर करना है। कवर करके हमने 15 मिनट इसको कुक करना है। जो खड़े मसाले के फ्लेवर्स हैं सारे अच्छे से टमाटर के अंदर आ जाएंगे और टमाटर भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। इसको हम कवर कर देते हैं। फिर हम आपको मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो गए हैं टमाटर को कुक करते हुए। अब खोल के हम चेक करते हैं। खोलते बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है खड़े मसालों की। इस टाइम पे आप देखिए टमाटर अच्छे से गल गए हैं, एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। फ्लेम हम ऑफ करेंगे, इसको ठंडा होने देंगे। जैसे ये टमाटर ठंडे हो जाएंगे हमने इसमें से खड़े मसाले निकाल लेने हैं। काली मिर्च और हमने गार्लिक नहीं निकालना, बाकी सारे हम निकाल लेंगे। फिर हम इसको ब्लेंड करेंगे, इसकी पेस्ट बना लेंगे। फिर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। टमाटर की पेस्ट हमने बना के तैयार कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 1 टेबल स्पून देसी घी लिया है। फ्लेम हम ऑन कर देते हैं, घी को मेल्ट होने देते हैं। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है और इसको भुनने देते हैं। जीरा भी अच्छे से भुन गया है। अब हमने क्या करना है, जो टमाटर की पेस्ट बनाई थी वो हम डाल देंगे। ये हम डाल देते हैं, ये सारी हमने पेस्ट डाल दी है। मिक्स कर देते हैं और साथ ही इसमें टमाटो केचप डालेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब हमने डालनी है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। और 5 मिनट हमने इसको ऐसे ही कुक करना है। घर में आप सिंपल खाना खा के बोर हो रहे होंगे, रेस्टोरेंट आप अभी नहीं जा सकते क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। आप घर में ही रेस्टोरेंट वाला खाना बना सकते हैं। हम आपको सिखा रहे हैं ये शाही पनीर रेस्टोरेंट वाला, बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगी। 5 मिनट हो गए हैं टमाटर को कुक होते हुए। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे, ये हम डाल देते हैं। देखिए कितना आसान है, मिक्स कर देते हैं और साथ ही इसमें फ्रेश क्रीम मिलाएंगे, 5 टेबल स्पून हमने डालनी है, ये हम डाल देते हैं। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो आप दूध की मलाई ले लें, उसको अच्छे से फेंट लें, वो फिर डाल सकते हैं आप। कलर आप देखिए कितना अच्छा हो गया है। हमने देगी मिर्च भी डाली थी, टमाटो केचप डाली है, उससे कलर आप देखिए
इस शाही पनीर का टेस्ट ऐसा है कि आप एक बार बनाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे, हर बार यही पनीर खाएंगे। क्रीम भी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसमें कसूरी मेथी डालनी है। ये हम डाल देते हैं, 1 टीस्पून के करीब हम डालेंगे, इससे फ्लेवर एकदम ही चेंज हो जाएगा। मिक्स कर देते हैं। और साथ ही इसमें पनीर डालेंगे, 200 ग्राम के करीब हम पनीर ले रहे हैं। इसको हमने पहले से कट किया हुआ है ट्रायंगल में, आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मिक्स कर देते हैं। अगर आपको घर में पनीर नहीं बनाना आता, हमने रेसिपी बनाई हुई है, आप इजीली बना सकते हैं। आप ऊपर राइट साइड पे लिंक देख रहे होंगे पनीर का, आप उसको क्लिक करें और पूरी वीडियो देखें, आप इजीली बना पाएंगे ये पनीर। 2 मिनट हमने इसको ऐसे ही कुक करना है। 2 मिनट हो गए हैं पनीर को कुक होते हुए, अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं। ये रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर बनके एकदम तैयार हो गया है, ये आप देखिए, बहुत ही टेस्टी ये पनीर बनता है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी, सारे आपकी तारीफ करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर हम आपको मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।